नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर राजेंद्र वास्तुविद में। दोस्तों, जीवन में अंधकार से प्रकाश का संदेश देने वाला जैन हिंदू सनातन धर्म का यह दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों में मनाया जाता है। आखिर है तो दीपों का त्योहार, इसलिए आज मैं कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र बता देना चाहता हूँ जो निश्चित रूप से आपके जीवन में अंधकार को नष्ट करके प्रकाश से मालामाल कर देंगे। और प्रकाश ही तो जब आपके जीवन में आ जाता है तब सारे संकटों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आज मैं आपको बता रहा हूं वास्तु का एक ब्रह्मास्त्र। यदि 8 प्रकार के दीपक चार दिशाओं और चार विदिशाओं में आप स्वास्तिक बना करके और उस पर स्थापित करते हैं, सुबह ध्यान रखना है, सुबह का इसका मुहूर्त होगा जो 7:30 से 9 के बीच में। यदि ये दीपक और इस तरह से आपने स्थापित कर दिए, ईशान कोण पर यदि आपने पीले रंग का स्वास्तिक बना करके केसर से और एक घी का दीपक जला दिया जिसका मुख होगा बाती का पूर्व दिशा की तरफ, तो देखिए आपके सारे संकटों से निजात मिल जाएगी। दूसरा, पूर्व दिशा में यदि आपने सफेद रंग का स्वास्तिक बना करके और एक दीपक स्थापित कर दिया पुनः घृत का, लेकिन इसमें होगी 4 बाती। एक तीसरा दीपक आप रखेंगे आग्नेय कोण पर, वहां लाल रंग का स्वास्तिक अंकित करके और इस दीपक में जो आपका चमेली का तेल होगा, चमेली के तेल का दीपक आपके जीवन में चमन ही कर देगा। चौथा दीपक होगा दक्षिण दिशा में, इसमें भी लाल रंग का स्वास्तिक अंकित करके और इसमें जो तेल डाला जाएगा वो मूंगफली के तेल का दीप जलाया जाएगा और इसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही होगा, आपके जीवन में आई हुई विपत्तियों से निजात दिला देगा और अपयश को यश में परिवर्तित कर देगा यह दीपक। अब एक आपको दीपक रखना है आपके अपने भूखंड के, अपने व्यापार के किसी भी नैऋत्य कोण पर। नैऋत्य कोण पर आप रखेंगे नारियल के तेल का दीपक, यह दीपक चारों दिशाओं और विदिशाओं में ज्योत होगी, इसकी 4 बाती होगी। इस तरह से यह पीले रंग का स्वास्तिक अंकित करके स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका दीपक स्थापित होगा पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक होगा और इसका मुख बाती का सिर्फ पश्चिम दिशा में ही होगा। निश्चित रूप से यह घर की समस्त वास्तु दोषों का निवारण ही नहीं बल्कि डूबे हुए पैसे कर्ज से मुक्ति भी दिला देगा। अब नेक्स्ट आपका वायव्य कोण पर जो दीपक स्थापित किया जाएगा बड़ा अद्भुत है, गाय के घी का दीपक। देखिए दोस्तों, आपने कभी जलाया नहीं होगा लेकिन इसे जलाइए, अद्भुत आपको रिजल्ट मिलेंगे। और नेक्स्ट आपके लिए उत्तर दिशा में आंवले के तेल का दीपक आप जलाएंगे यदि हरे रंग का स्वास्तिक बना के, क्योंकि यदि 10 लाख बॉबीज ऊर्जा जनरेट करता है एक स्वास्तिक, और यदि अमावस्या के दिन हमारे इस मुहूर्त में 7:30 से 9 के बीच में प्रज्वलित कर दिया जाता है तो 108 गुना उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। इस तरह से आप चार दिशा चार विदिशाओं में इस तरह से दीपक को स्थापित करके हो जाए मालामाल। अब और यदि आप अपने व्यापार की वृद्धि चाहते हैं तो व्यापारिक स्थान पर गंधक से पोछा लगाएं। नेक्स्ट, व्यापार का कलश आपका डूबा हुआ पैसा, आपके खोए हुए ग्राहक और आपके सेल को बहुत बढ़ाना चाहते हैं तो एक मंगल कलश को आप स्थिर लग्न में, व्यापार की सुबह सुबह जो लग्न है वह है 10:30 से लेकर 11:50 तक द्विशुभाभी लग्न यानी धनु लग्न में यदि आप कलश को स्थापित करते हैं। द्विशुभाभी लग्न इसके लिए क्योंकि हमें आदान प्रदान खरीद बिक्री दोनों ही करना पड़ते हैं, इसलिए द्विशुभाव लग्न में यदि कलश रखते हैं, 5 हल्दी 5 सुपारी पीली सरसों पंचरत्न और इसमें खड़े धना और खड़ा उड़द और मूंग और चांदी का स्वास्तिक चांदी का 1.25 डाल करके यदि इस कलश को स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी व्यापार की वृद्धि होगी। इसके बाद मैं एक और दोस्तों एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बता देना चाहता हूं जो दीपावली की मध्य रात्रि में करने पर आपके लिए सारे संकटों से वो एक ही
निवारण आपके समस्त वास्तु दोषों का निवारण करा देगा वह है आपका यदि मरकरी कीलों से कर देंगे अपने घर या अपने प्रतिष्ठान को कीलित इस तरह से रक्षा सूत्र बांध करके, तो निश्चित रूप से आपको किसी भी निगेटिव एनर्जी किसी भी तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव यहां पर नहीं होगा। और इस रात बना लीजिए काजल, और इस काजल का बनाया हुआ काजल को आप एक स्वास्तिक काजल से यदि अपने प्रतिष्ठान के बाहर स्वास्तिक बना देते हैं तो कभी भी नजर नहीं लगेगी। यह काजल आप अपने आंखों की जोत बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली की रात्रि का काजल अद्भुत काजल होता है। दोस्तों यह तो थे टिप्स, अब मैं दूसरा एक और टिप्स देना चाहता हूं। यदि आप गल्ले, सभी लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी की नहीं बल्कि गल्ले में स्थापित करें सफेद चिरमिरी और काली चिरमिरी, यह आपकी धन की खूब वृद्धि कराएंगे, डूबे पैसे को वापस बुलाएंगे। सफेद सरसों, ये देख रहे हैं आप, ये है सफेद सरसों, और इस सफेद सरसों की पोटली बना करके आप गल्ले में रख दीजिए, और पीली सरसों भी रख दीजिए। पीली सरसों और काले उड़द से उस दिन दिग्वंदना अवश्य करिए, क्योंकि दिग्वंदना दशों दिशाओं की कर करके और आप निश्चित रूप से पॉजिटिव एनर्जी डिपॉजिट कर लेंगे एक वर्ष के लिए। गोमती चक्र आप अपने गद्दे के नीचे गल्ले में प्रतिष्ठान में या फिर डूबे हुए पैसे के कागजातों के साथ सम्मिलित करके आप इन संकटों से मुक्ति पाएंगे। अब मैं बात करूंगा कि इनका प्रभाव कब कब किन समय में मिलेगा, यानी कि पूजा आपको चाहे व्यापार की करना हो, चाहे घर की करना हो, चाहे वास्तु की करना हो, अथवा आपको हवन करना हो, तो उनके लिए श्रेष्ठतम मुहूर्त क्या होंगे। देखिए सुबह 7:25 से 9 तक स्थिर लग्न में, स्थिर लग्न है यह वैश्विक लग्न है, तो व्यापारी जो मंगल का व्यापार करते हैं वह सब लोग इसमें अपने प्रतिष्ठान की पूजा करें, और 10:30 से 11:50 तक धनु व्यापार की लग्न है, क्योंकि इसमें आप व्यापारी भी पूजा कर सकते हैं, घर में भी यदि कोई पूजा करना चाहे तब भी कर सकता है, क्योंकि यह द्विशुभावी लग्न है। अब एक दोपहर में भी मुहूर्त आता है, जो लोग 3:00 से 4:25 तक पूजा करना चाहे वह मीन द्विशुभावी लग्न है, और इसमें आप व्यापार की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस दिन लग्न का और आपको शुभ चौबड़िया का इंतजार था वह वक्त आता है 6:00 से 8:00 तक स्थित लग्न और शुभ चौबड़िया में आप अपने घर की मंगलाष्टक दिग्वंदना करके और आप करेंगे पूजा। इस तरह से यह तो भी आपके दीपावली यानी कि कार्तिक अमावस्या की। लेकिन अब व्यापार को शुरू कब करते हैं, वैसे तो व्यापार का मुहूर्त दोज नहीं अपितु पंचमी का ज्यादा लाभप्रद होता है, इसलिए गुजरात के सारे लोग सिर्फ लाभ पांचम को ही अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ भाई लोग यदि दोज को प्रारंभ करना चाहे तो 7:30 से 9:40 तक अपने व्यापार पर प्रारंभ करें, और इसके अलावा 3 से 4 तक भी कर सकते हैं। लेकिन लाभ पंचमी को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है 7:00 से 7:20 तक, लेकिन इससे भी आगे और भी बहुत बढ़िया मुहूर्त चाहते हैं तो फिर मुहूर्त एक आता है द्विशाभी लग्न का और शुभ चौघड़िया का 9:00 से 9:44 तक बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है, लेकिन इस मुहूर्त में आप 10:25 तक भी आप व्यापार प्रारंभ करके और लाभ पंचमी का लाभ अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यदि हमारा यह चैनल बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।